भाई जैमिनी हरिमानवी जी का पहला पुरस्कार मुझे मिला, दूसरा दुर्गादान जी को मिला। दोनों में एक ही फर्क है, पहला प्रसिद्ध कवि को मिला, दूसरा सिद्ध कवि को मिला। क्योंकि रोज का उठना बैठना था तो पहला मुझे मिलना ही था। वो मजबूरी में दिया गया, ये मजबूती से दिया गया प्रस्ताव। मुझे पुरस्कार ने सम्मानित किया, इन्होंने पुरस्कार को सम्मानित किया। कभी कभी सत्य बोल लेना चाहिए, तो वो मैंने बोल दिया। और ये रिकॉर्ड नहीं दिखाओ तो सब जगह को पता लगा दो कि सुरेंद्र शर्मा ने ये बात कही थी। पर मेरी प्रसिद्धि जो है वो मुझे बचाए रखती है। कविता हो चाहे नहीं, वो प्रसिद्धि मेरे पास है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सीधी सी बात ये है, लोक भाषा का, क्योंकि हिंदी तो कुछ सालों की भाषा है, हमारी लोक भाषा का वर्तमान भविष्य और पिछला, हजारों साल की भाषाएं हैं हमारी बोलियां ये जो हैं। क्योंकि अंग्रेजी जो है वो ऑफिस की भाषा है, हिंदी ड्राइंग रूम की भाषा है, और हमारी बोलियां बेडरूम की भाषा है, जिसमें आप सबसे बेहतर ढंग से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। आज यहाँ इतने लोग यहाँ पर आए हैं, जैमिनी परिवार से जुड़े हुए भाई महेश गर्ग बेधड़क, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के हैं और बहुत अच्छे हास्यरस के कवि, मैं उनका भी अभिवादन। प्रिय संजीव गुप्ता की, जो कि सिंगापुर में रहते हैं और कविता के प्रति लगाव रखते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मेरे भाई यूसुफ भारद्वाज ने भी चाला काट दिया। और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ, भारत की कविता में से गीत निकल जाए तो समझ लेना कविता में से प्राण निकल गए। वो निर्जीव होकर के जिएगी, जैसे मम्मी होती है, डेड बॉडी होती है, बिगर गीत के। एक कवि सम्मेलन की, अच्छे कवि सम्मेलन की आप व्याख्या भी नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ा जरूरी तत्व गीत होता है। और कम से कम जब मैं आया था तो हम हास्य और वीरस वाले कोने में प्यादे की तरह से बैठे रहते थे और गीतकार हम लोगों को घूरते रहते थे। स्थितियां बदल गई, गीत कोने में चला गया और हास्य और वीरस बीच में आ गए। स्थिति ये ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा किया है। कीमत उस चीज की होती है जो कि उपलब्ध नहीं होती। जब जिंदगी में हास्य था तो गीत का महत्व पता लगता था, क्योंकि गीत, आज जिंदगी में करुणा है तो गीत का पता लगेगा कि गीत करुणा है, इसलिए गीत को पीछे चला गया है, हम हास्य सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जब तक किसी भी कार्यक्रम में गीत, एक ने कहा था गीत से क्या होता है,
आजकल जो नए लोग बुद्धिजीवी आए हैं उनकी एक ही बात कहना है कि गीत को हम कविता नहीं मानते। मैंने कहा नहीं मानते तो कोई आरती फ्री वर्स में सुना दो, नहीं मानते तो कोई एक लोरी जो बच्चे को सुनाई जा सके उसको कोई फ्री वर्स में लिख दो ताकि सुनते ही बीत जाए, वो अलग बात होती है। गीत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुर्गा दान जी मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर हाड़ोती में अभी मैंने तो रघुराज सिंह हाड़ा को भी सुना, उनके साथ सालों बिताए, जिंदगी के दिन बिताए उनके साथ, वो भी अद्भुत और स्वाभिमानी कवि दुर्गा दान जी, आप तो जानते ही हैं, अभी भी हैं वो शायद। अरे रेड आगली के छाजे कबूतर को जोड़ा, बड़ी बड़ी बातें। राजस्थानी में एक दो पंक्तियों में एक महिला की पीड़ा का व्यक्त किया राजस्थानी में, एक महिला को श्राप दे देता है कोई ऋषि की सुबह पो फड़ते हैं तेरा पति मर जाएगा, उसको दो पंक्ति में कैसे भी व्याख्या की जा सकती। ये अपने राजस्थानी साहित्य की ही कोई बड़ा कवि है जिसने व्याख्या की, तो वो कहती है आज सखी मैंने सुनी पो फाटत पियगौन। अब दूसरी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद होगा। आज सखी मैंने सुनी पो फाटत पियगौन, पो में ही में होड़ है पहले फाटे कौन। ये हमारी लोक भाषा का लालित्य है और श्रृंगार रस में भी ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि कोई कर नहीं सकता। एक मनिहार चूड़ी पहनाने वाला एक के घर जाता है और उसे छोटे साइज की चूड़ी पहनाता है, वो छोटी चूड़ियाँ हर एक मुलक जाती है, टूटना तो नहीं कहते मुलक जाती है, उसको मुँह लग गया कहते हैं। उसकी एक ही इच्छा है कि चूड़ी पहनाते हुए ये महिला सी की आवाज निकाल दे बस। और वो नहीं निकलती तो महिला समझ जाती कि इसकी मंशा क्या है, घनघोर श्रृंगार का है, तो कहती है सगरी चूरी मोर दे रे मनिहार गवार, सी तो पिय के संग में निकस गई एक बार। तो हम उस यात्रा में अरुण ने अच्छा काम किया है कि लोक भाषा में, क्योंकि जिंदा रहेगी संस्कृति रहेगी तो इन भाषाओं के जरिए ही रहेगी। मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ और अगले वर्ष के लिए आपको आमंत्रण देता हूँ।